हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मौसमी और आप लोग देख रहे हो माय लाइफ माय जर्नी। आप सभी को मेरे और एक ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी है ठीक ठाक हैं। हम लोग भी ठीक है। आज दिन सोमवार और अभी सुबह का टाइम है। अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो चलिए देखते रहिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज देखते रहिए। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ माय अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पर जो है मैं फ्रेश हो गई थी और अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो थोड़ा सा मैं बाल ठीक कर रही थी। और अभी 6 AM हो रहा था टाइम, तो थोड़ी देर पहले ही मैं उठ के ड्रेस वेस चेंज कर लिया था। और बेटू और पोतीदेव अभी तक सो रहा है। पोतीदेव भी मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो थोड़ी देर में उसे भी बुलाएँगे हम। तो चलिए फटाफट हम रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। गाइस, तो मैं मॉर्निंग वॉक से आ गई थी। अभी जो है 7:15 हो रहा था टाइम, और आने के बाद थोड़ा सा बैठ के रेस्ट किया था क्योंकि पूरा जो है पसीने पसीने हो गई थी इसलिए मैंने जो सोचा कि थोड़ा सा फ़ैन के नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद ही काम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ठंड लग जाएगा। और अभी देखिए यहाँ पर जो है पूरी घर पर मैंने झाड़ू लगा दिया था, सिर्फ डाइनिंग ही बाकी था। तो अभी फटाफट डाइनिंग पर झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद जो है मैं सिटिंग एरिया को क्लीन कर लूँगी। और ये तो मेरा फ्रंट एरिया है, आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए मैं हर वक्त ट्राई करती हूँ कि इस जगह को क्लियर रखने के लिए। वैसे तो रात को मैं क्लीन करती हूँ, फिर भी एक बार सुबह उठ के मैं ऐसे ही झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सिटिंग एरिया बिल्कुल मेरा क्लीन हो गया है। और उसके बाद जो है मैं फिश निकालने जा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे डायरेक्ट जो है किचन पे जाना है। तो फिश करी बनेगा आज और राइस बनेगा, उसके साथ एक भुजिया मैं कल रात को बना के रखी थी भिंडी और आलू देके, तो वही है, यही है हमारा आज का सिंपल सा लंच। तो चलिए मैं डिनर आ गई हूँ किचन पे। और इसके बाद जो है किचन का हालत देखिए आप लोग, काउंटर टॉप जो है बिल्कुल भरा भरा है क्योंकि कल रात को बर्तन वगैरह धो के मैं ऐसे ही पानी सूखने के लिए रख दिया था। और अभी जो है सब कुछ सामान जगह जगह पर रखना है। और मैं ना मॉर्निंग वॉक पे जाने के टाइम वार्म वाटर भी नहीं पिया था, तो अभी मुझे वार्म वाटर भी पीना है क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए सोचा कि आने के बाद ही हम पियेंगे। और राइस को मैंने पहले से भिगो के गई थी, तो अभी फटाफट राइस को भी बिठाना है। तो राइस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने सोचा कि चावल को पहले भिगो के रख देते हैं और आने के बाद ही बनाते हैं। तो देखिए काउंटर टॉप हमारा एकदम चकाचक हो गया है। और अभी जो है मैं थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ क्योंकि पानी वगैरह थोड़ा सा नीचे गिर गया था। और सुबह तो उठ के मैं और एक बार किचन को क्लीन कर दी हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने काउंटर टॉप को क्लीन कर दिया था और अभी मैं वार्म वाटर पीऊँगी। और साथ ही साथ जो है राइस भी बिठा दिया है मैंने, तो वार्म वाटर पीने के बाद जो है चाय भी पीऊँगी क्योंकि मुझे ना भूख भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और चाय पीने के बाद जो काम करने का एनर्जी मिलते हैं ना, तो वो मत पूछिए, और हैबिट भी हो गया है सुबह उठ के चाय पीना। पता है मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो हैबिट हो गया है। तो मैं और पुत्रदेव दोनों के लिए ही चाय बना दूँगी। और उन्होंने भी वार्म वाटर
वाटर भी लिया था, तो हम दोनों ही सुबह उठ के वार्म वाटर पीते हैं। तो चलिए अभी चाय बना लेते हैं और उसके बाद जो है मैं फिश करी बनाऊंगी। और फिश को मैं अभी पानी में भिगो के रख दिया है क्योंकि उसमें ना आइस जम गया था, तो मैंने सोचा कि चाय पीते पीते पिघल जाएगा आइस। तो यहाँ पर देखिए चाय मैंने बिठा दिया है, तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ चाय पीने के लिए और उसके बाद ही मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मेरा चाय बिना हो गया था और उसके बाद मैं ना फिर से आ गई थी किचन पे। और यहाँ पर देखिए मैंने फिश फ्राई करने के लिए रख दिया है और साथ ही साथ जो है वेजिटेबल्स वगैरह मैं कट कर लूँगी, बट आज वेजिटेबल्स को नहीं है, सिर्फ आलू देके फिश करी बनाऊँगी। तो यहाँ पर आलू और हरा मिर्च और उसके साथ मैंने ऑनियन ले लिया है, बट आज ना एक प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि मेरे पास एक भी टमाटर नहीं है, तो कल रात को ही ख़त्म हो गया था। और सुबह ना मुझे एक भी वेजिटेबल्स वाला नहीं दिखा, तो मैंने सोचा था कि मॉर्निंग वॉक पे आने के टाइम में जो है लेके आऊँगी साथ में, बट रास्ते पे कोई नहीं दिखा तो इसलिए चले आए। और आज सोच रहा था थोड़ा सा अलग टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने कट कर लिया था और फिर तो एंड में मैंने सोच रहा था कि मैगी मसाला ऐड कर दूँगी, तो मैगी मसाला ऐड करने से जो है टमाटो का कमी नहीं महसूस होगा तो खाने में अच्छा ही लगेगा, तो कभी कभार मैं ऐसे करती हूँ। तो चलिए फटाफट ये सब वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लेते हैं। और तब तक हमारा जो है फिश फ्राई भी बनके रेडी हो गया है, एक साइड हो गया था और दूसरे साइड हम प्लेट लेंगे। तो आज मैं रोहू पीस बना रही हूँ और ये ना काली मार्केट से लेके आए थे, कल थोड़ा सा बनाए थे और थोड़ा सा रह गया था। तो अभी जो है कोरोना के बाद से हम ज़्यादा देर फ्रिज में रख के नहीं खाना खाते हैं, पता नहीं क्यों मन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आलू को मैंने पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद जो है ऑनियन और हरा मिर्च ब्राउन कलर हो जाने के पर मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन और मसाला ऐड कर दिया है। और अभी जो है आलू के साथ मसाला हम अच्छे से भून लेंगे और कलर देखिए बहुत ही अच्छा हुआ है ना। तो मसाला अच्छे से भून जाने के बाद यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और ढक के थोड़ी देर पकाना है और उसके बाद जो है फिश ऐड करूँगी। तो मैं आ गई थी बेटू को बॉर्नविटा पिलाने के लिए, तो सुबह उठ के सबसे पहले वो बॉर्नविटा पीते हैं, उसके बाद ही जो है ब्रश वगैरह करने जाते हैं। तो इसका यही हैबिट है बचपन से, मैंने आप लोगों को एक बार बताई थी कि जैसे लोगों का बेड पीने का आदत है ना, तो इसका जो है बेड मिल्क पीने का आदत है। तो देखिए फिर से वो सो गया था, बोल रहा था कि मम्मी मुझे नहीं उठना है, तो बोल रहा था ये बिल्कुल ही सुबह उठना नहीं चाहते हैं। तो मेरे पोते देव ना मुझे कुछ पूछ रहा था, तो वही मैं बोल रही थी उसको। तो देखिए इसको अभी गोदी में लेके इस तरह से इसका नींद टूटेगा, गोदी में लेके प्यार करना है। और ब्रश वगैरह करके मैंने उसको बिठा दिया है, ऑनलाइन क्लास अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो है फिस्करी हमारा
बनके रेडी हो गया है। तो एंड में जो है मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया था और फिश दे के थोड़ी देर मैंने बर्ट कर लिया था, तो सॉरी थोड़ी देर मैंने ऐसे ही धीमे आँच पे बनाए थे। तो बन के रेडी हो गया है फिश करी। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर गैस ओवन को भी क्लीन कर लिया है और साथ ही साथ जो है बर्तन वगैरह मैंने थोड़ा सा धो के रख दिया था और अभी एक दो ही बर्तन हैं तो वो भी हम धो लेंगे और किचन काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो खाना बन जाने के बाद ही मैं किचन का जो काम है वो सब कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में ना करने का मन नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं जब भी खाना बन जाते हैं तो उसके बाद ही फटाफट तुरंत जो है काम कर लेते हैं। और बीच में एक बार ना सोनू को फ़ोन भी देना पड़ा क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया था, तो एक ही मोबाइल मेरे पास है इसके लिए मैं उसको दे के आई थी। उसके बाद तो बेबी का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट कर लिया था और अभी टीवी पे देख रहा है मोटू पतलू। तो सोनू अभी बाहर बैठ के टीवी देख रहा था और मैं आ गई थी बेडरूम को क्लीन करने के लिए। तो ये इसका ऑनलाइन क्लास ख़त्म होने के बाद जो है बुक्स वगैरह पढ़ा था तो वो मैंने कैबिनेट के अंदर रख दिया है और अभी फटाफट बेड को क्लीन कर लेंगे। और हम लोगों का ना ब्रेकफास्ट भी हो गया था, अभी जो है 10:30 हो रहा था टाइम। तो ब्रेकफास्ट में हम माँ बेटा दोनों मिल के आज राइस ही खा लिया था। वैसे तो ज़्यादातर हम ब्रेकफास्ट नहीं पकाते हैं, तो घर पर जो जो अवेलेबल होता है वही से हम कम चला लेते हैं, ब्रेड मुड़मुड़ा या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के। बट कभी कभार पकाते हैं जिस दिन पोते देव घर पे रहता है। तो यहाँ पर देखिए बेड को मैंने क्लीन कर लिया है और एक ही फ़ोन था मेरे पास, तो इसके लिए जो है बीच में मैं अब लोगों से कुछ भी नहीं शेयर कर, घर पे भी पोछा लगाना भी हो गया था और अभी मैं आ गई थी कपड़े धोने के लिए। तो घर पे एक ही मोबाइल और इस देखिए बेटू अभी इतना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, तो जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो इन लोगों की वजह से मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग बनाना ही बंद कर दूँगी। देखिए कितना ज़्यादा बदमाश कर रहा है। तो अभी मैं नहाऊंगी और उसके बाद जो है बेटू को नहलाना है। तो चलिए आज का ब्लॉग जो है हम यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत।